वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शेपर 13। जैसा कि आपको है, सबसे पहले तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया आपका मेरा 1K कंप्लीट करने के लिए। और इसी तरह से जो है आप लोग मुझे है वो सपोर्ट करते रहिए। तो टाइम हो चुका है 9:20। बहुत दिनों बाद कुछ एक ऐसे पर्सन से आपको मिलाना चाहता हूँ जिसका कि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी टाइम से मुझे जो है वो मैसेज कर रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं जो गुगू को हमने देखा नहीं है। तो टाइटल से पता चल ही होगा कि मैं आज गुगू को लेके जा रहा हूँ गोपालपुर चू। बाइक मैंने खड़ी की थी है बैकयार्ड पे। देखिए सामने क्या कितना ही सुंदर नज़ारा है। सामने पहाड़ियों के देखिए आप, क्या जबरदस्त। तो आइए ले चलते हैं आपको। तो फाइनली टायर में हवा जो है वो चेक हो चुकी है और पेट्रोल भी भर लिया है और चलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन जो सफ़र की शुरुआत है वो बिल्कुल एकदम सी बेकार रही, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ क्या कि अभी सवेरे सवेरे एक गाड़ी वाला, जैसे ही मैं अपने घर से अंदर टर्न ले रहा था तो उस गाड़ी वाले ने वो गाड़ी वाला जो था वो बस के पीछे था और मैं बिल्कुल मतलब राइट वे था, मैंने अपना राइट इंडिकेटर दिया हुआ था। और उस बंदे ने क्या किया कि जब मैं निकलने लगा तो उसने भी वहाँ से अपनी गाड़ी निकाल दी और मैं बिल्कुल आधा जो था वो बिल्कुल उसमें पहुँच चुका था सड़क पे। मेरा आधी बाइक जो थी सड़क पे थी और आधी बिल्कुल उतराई पे थी। तो और उसने एकदम मतलब कि ज़बरदस्ती करते हुए वो मतलब एक गाड़ी जो है वो आगे ले गया धक्के से ही। मेरे को आ गया गुस्सा कि भाई यार मैं अपनी आधी बाइक जो है वो पूरी मतलब कि सड़क पे मैं ले आया हूँ और तू मतलब कि पी 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 करता हुआ आके सीधा आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहाँ की तुम्हारी ड्राइविंग है भाई? और कौन ऐसे महानुभाव होते हैं जो तुम्हें लाइसेंस प्रोवाइड करवा देते हैं चलाने का? बहुत ही घटिया ड्राइविंग थी। अगर माना कि लड़के, हाँ तू आओ पहले, देखिए कितने घटिया ड्राइवर होते हैं जी। हर एक इंसान को जो है वो जल्दबाजी लगी है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है कि भी हाँ। तो वो मेरे को आंखें दिखाने लग पड़ा कि भी हाँ भी क्या है। मेरे को भी आ गया गुस्सा भाई कि भी गलती ना मेरी नहीं है, गलती तेरी है और तू मेरे को उल्टा आंखें दिखा रहा है। हो गया मैं भी चौड़ा उसके साथ में, और फिर सबक सिखाना तो बनता है ना। चलो 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 बैठो फटाफट फटाफट। तो गुगू के लिए पानी ले लिया है और चलते हैं अब। तो जब भी गाड़ी बाइक निकालें या गाड़ी निकालें तो दाएं बाएं जरूर देख लें कि कुछ महानुभाव जो होते हैं वो आपको ठोक जाते हैं। देखो ये है एलिफेंट जो गुगू को मैं दिखा, ये देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो एलिफेंट। आपने कभी एलिफेंट देखा है? देखो कितना बड़ा एलिफेंट है, वाओ। हाथ लगा ले, ये देखो कितना अच्छा एलिफेंट है। अच्छा नहीं लगाना हाथ, देखो कितना बड़ा एलिफेंट है। तो ये भी एक अजूबा मिल गया देखने के लिए आज। तो एक प्रथा रहती है हाथियों के बीच से निकलने की। निकल जाए भाई, देखना कहीं ऊपर बैठ गया तो और से आपा। ठीक है ठीक है, ये देखो हम निकल गए। ये देखो कितना, वापस यहाँ से नहीं भाई, देखना भाई यार। अच्छा अच्छा लुधियाना से लेके आए हो, तो कितने दिन हो गए आपको चलते हुए? हैं 2 महीने। तो ये पूरा धर्मशाला, ये पूरा हिमाचल घुमा के लेके जाओगे इसको? तो इसको खाना खुना क्या खिलाते हैं? अच्छा, रोड देते हैं बना के।
अभी मैंने सोचा नहीं था कि हाथी को भी कभी अपने ब्लॉग में लूँगा, तो आज हाथी जो है मेरे ब्लॉग में आ गया। तो जू की शुरुआत रोड से ही हो चुकी है। चलो 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 भैया जी चलो। भैया जी डाल लो हैवी गियर और हम भी अब जाने। चुके हैं धौलाधार नेचर पार्क में। तो ये है धौलाधार नेचर पार्क जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया गया है। तो यहाँ पे खड़े होते हैं, पहले बाइक पार्क करते हैं। तो पहले बाइक पार्क करते हैं और फिर लेते हैं, अभी बाइक पार्क करने के बाद हमें लेनी है टिकट और फिर टिकट लेके फिर चलते हैं आगे। छोटी बेबी है, 3.5 साल की बच्चा नहीं, हाँ जी, और दो बाइक, हाँ जी एक बाइक, हाँ जी 120 रुपये। यहाँ पर हमने टिकट ले ली है, तो यहाँ पे अडल्ट के जो है वो 50 रुपीज़ लगते हैं और 10 रुपये जो है बच्चे का शुल्क और 10 रुपये जो है यहाँ पे जो है वो पार्किंग के लगते हैं। तो यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है, यहाँ पे आपको टिकट लेनी होगी, यहाँ पे आपको पार्किंग करनी होगी। तो वॉल पे देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग की हुई है, कितने अच्छे एनिमल्स बनाए हैं, तो जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये चीज़। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक बियर है उसको आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर है। अगर किस्मत में हुआ तो दिखेगा, अगर नहीं तो फिर नहीं दिखेगा। जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं, तो यहां से दूर भालू दिखाई दे रहा है। तो ये सामने जो आपको भालू दिखाई दे रहा है, इसे ब्लैक बियर भी कहते हैं और मून बियर भी कहते हैं, ये दो नामों से जाना जाता है और ये एशिया में पाया जाता है ब्लैक बियर। और बस इतनी सी जानकारी मुझे है इस भालू के बारे में। और बाकी देखिए वो दूर जो है वहाँ पर, ये वहाँ पर रहते हैं, इनको वहाँ पर खाना दिया जाता है। तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चिड़ियाघर में आते हैं तो किसी भी जानवर को या किसी भी पक्षी को जो है वो आप टीज़ ना करें। तो गुगू आपने यहाँ पे क्या देखा? मैंने टॉय बियर देखा। कौन सा बियर? टॉय बियर नहीं है, वो रियल का बियर है। वो ये है ब्लैक बियर, इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अगर इसके पास जाएंगे ना तो ये हाथ मार दिया था ना। हाँ, तो इसके पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये नोच देता है, फेस जो है वो ये खा जाता है फेस को ही। हाँ यस यस यस, चलो आगे चले। तो आइए कुछ जानकारी जो है हम आपको बटरफ्लाई के बारे में देते हैं। कॉमन बटरफ्लाई ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये जो जितनी भी ये बटरफ्लाई है ये सारी जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ बटरफ्लाई की स्पीसीज जो है वो 17,100 जो है पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं और इंडिया में 1500 स्पीसीज जो है बटरफ्लाई की वो पाई जाती हैं। तो अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं टर्टल देखने के लिए। तो वहाँ पे देखिए दूर एक टर्टल दिखाई देता है, दो मुझे अभी तक टर्टल दिखे हैं, आपको दिखाते हैं। तो सामने एक टर्टल ये है और एक ये है, बट पता नहीं आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं। और इतने बड़े बड़े वल्चर्स हैं, दो बहुत ही बड़ा है। पहले बहुत सारे वल्चर जो थे वो हमारे गांव वगैरह में दिखते रहते थे, लेकिन अब ये शायद विलुप्त होने की कगार पे हैं। इंस्ट्रक्शन लिखी है कि डू नॉट फीड द एनिमल्स, जानवरों को खाना ना खिलाएं। और ये देखिए मोर, वाव, तो ये कितना ही सुंदर दिख रहा है। तो मोर को देखिए कितना सुंदर दिखने में।
तो सामने देखिए एक गोरल। तो ये मेनली जो है ये वेस्टर्न हिमालय में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, नेपाल, भूटान पाया जाता है। तो इनकी उम्र जो है वो 10 से 15 साल होती है, और मैक्सिमम जो है 17 ईयर से ज़्यादा जो है वो ये नहीं जी पाते हैं। तो देखिए, तो दूर कहीं चीते की आवाज़ आ रही है और बहुत एक्साइटमेंट सी हो रही है मन में कि कब जाके जो है वो चीते को देखें जाके। तो आइए कुछ और दिखाते हैं। इस तरफ है, हाँ जी, क्यों आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे? क्यों, आपने कभी देखा नहीं यहाँ पे ऐसे? अभी तक आपने क्या क्या देखा? गोरल देखा, और क्या देखा? वल्चर देखा, और पीकॉक। कैसे नाच रहा था पीकॉक? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको टाइगर दिखाता हूँ। नहीं, दूर से होगा, वो अंदर होगा केज के अंदर ना। बहुत अच्छी चीज़ अब जो हो गई है, जगह जगह जो है वो टॉयलेट्स और टॉयलेट्स की सुविधा है। और सामने ये एक पार्क कितना अच्छा बनाया है, देखिए। तो देखिए कितनी ही सुंदर पेंटिंग जो है बनाई है, ऑसम, देखने में कितनी सुंदर लग रही है ये। कि ग्रीनरी देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। तो अभी यहाँ पर चीते की आवाज़ सुनाई, सॉरी शेरनी की आवाज़ सुनाई। तो सामने देखिए शेरनी है और मुझे ही देख रही है, बाय गॉड, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। शायद मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिखे कहाँ गई। ये देखिए सामने अभी लेटी है, लेट गई है यहाँ पर। तो पहली बार मतलब कि इतना क्लोज जो था वो शेरनी को देखा मैंने, कितनी भारी आवाज़ थी उसकी, कांट एक्सप्लेन। थोड़ा सा कैमरा ऑन करने में लेट हो गया, अगर कैमरा ऑन कर लेता अगर मैं टाइम पे तो आपको भी वो आवाज़ सुनाई देती। कोशिश करूँगा जब हम नीचे से जाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि अगर सुनाई दी आवाज़ ये चिल्लाई तो मैं ज़रूर आपको आवाज़ सुनाऊँगा। देखा आपने अभी रिसेंटली? अच्छा शेरनी देखी, क्या बोल रही थी वो आपको? अच्छा लॉयनेन देखा। तो जिस टावर पे हम चढ़ रहे हैं, ये टावर आपको दिखाएगा नियर बाई का व्यू कि पहाड़ यहाँ से कैसे दिखते हैं और आसपास का कैसा नज़ारा है। तो मेरे सामने देखिए क्या ज़बरदस्त, हर बार की तरह पैसा वसूल व्यू, और पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बादल। तो मेरे लेफ्ट में देखिए क्या ही ज़बरदस्त, देखिए वाव वाव, सफ़ेद की शब्द सब जो है वो मेरे मुंह से निकल रहा है, वाव। तो आई होप कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस गोपालपुर जू को। तो कुछ एक फैक्ट जो है मैं इस जू के बारे में आपको थोड़ी सी जो जितनी मुझे पता है तो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जो ये जू है इसे सब पहले गोपालपुर जू के नाम से जो जाना जाता था, अब जो है इस पार्क का नाम धौलाधार नेचर पार्क गोपालपुर है। और ये जो जो पार्क है ये 23/4/1992 में जो है बनके तैयार हुआ। ये जो पार्क है जो 20 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला और 6 किलोमीटर यहाँ जो यहाँ नियर बाई चमुंडा देवी है, तो चमुंडा देवी जी से ये 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो गोपाल जू में, एट प्रेजेंट जू में 181 के लगभग जो है वो यहाँ पर एनिमल्स हैं। और यहाँ पर 20 डिफरेंट जो स्पीसीज जो है यहाँ पर पाई जाती है, लॉयल, लेपर्ड, गोरल, सांभर, ब्लैक बियर और डियर, ये कुछ यहाँ की जो है वो अट्रैक्शन वाली जो एनिमल्स हैं। बता दूँ कि अक्टूबर से लेके मार्च तक इसका खुलने का समय जो है वो 9 to 5 रहता है, और अप्रैल टू सितंबर ये 9 to 7 रहता है, और एवरी मंडे ये गोपालपुर जू क्लोज रहता है। तो आपने यहाँ पर ट्यूजडे टू
संडे आप जब मर्जी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। तो आइए, कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद एज यूजुअल हर बार की तरह कुछ पेट पूजा करते हैं और चलते हैं घर की तरफ। हमने देखिए कितने सारे सांभर, और सांभरों के बीच में एक यहाँ पर बंदर भी बैठा हुआ है। वाव, कितने सारे हैं ये। हम लोगों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया ना। देखिए कितने सारे सांभर यहाँ पर हमें कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अगर शेरनी अगर दिखाई देती है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रही है भाई सामने, दिख रही है यहाँ से। क्या बात है। तो सामने देखिए शेरनी, और शेर जो है वो उसकी याद में वहाँ पे चिल्ला रहा है। चीता लोग हैं यहाँ पर, हैं कैसे भाई चीता लोग? मान लो अगर ये केज तोड़ के बाहर आए तो फिर के पहला स्टेप आप क्या करोगे आप दोनों? अरे भागने का करो सबसे पहला स्टेप। इसके ऊपर तो चढ़ आएगा। तो सामने आप दहाड़ने की आवाज सुन सकते, तो सामने आप शेर के दहाड़ने की आवाज सुन सकते हैं। देखिए शायद अंदर उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है लॉयन की। भाई बड़ा अग्रेसिव है। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो कि आप लोगों ने देखी भी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अदर जूज जो मैंने विज़िट किए हैं उनके अकॉर्डिंग मतलब बहुत कम यहाँ पर एनिमल देखने को मिले हैं। लेकिन हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लोग बहुत सारे आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो भी यहाँ पर नियर बाई धर्मशाला में घूमने आते हैं या पालमपुर घूमने जा रहे हैं या चामुंडा देवी, तो प्लीज़ यहाँ पर भी एक बार देख ले। बहुत कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी आपको देखने के लिए मिलेगा सेटिस्फाइड होगा। तो आइए करते हैं इस वीडियो का एंड यहीं पे। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शिवा, बूम।